नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। पिछले दिनों बारिश की वजह से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा में काफ़ी तबाही देखने के लिए मिल रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौसम विभाग के अधिकारी हैं। मैम से बात करते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी बरसात होने की संभावना है। मैम, क्या क्या लग रहा है आपको? जी, पिछले दिनों में जो मानसून सिस्टम है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी एक्टिव रहा है, तो उसकी वजह से पंजाब में काफ़ी जगह पर हैवी रेनफॉल जो ऑब्जर्व की गई, बट अब इसकी एक्टिविटी पहले से थोड़ी कम है और आने वाले जो 3-4 दिन हैं इनमें सारे पंजाब में कहीं कहीं लाइट टू मॉडरेट जो बारिश हो सकती है, बट कहीं कोई हैवी रेनफॉल की प्रिडिक्शन नहीं है और किसी तरह का कोई अलर्ट आईएमडी से नहीं जारी किया। क्या लग रहा है कि मैम इतनी ज़्यादा तबाही पिछले कई सालों में नहीं देखने के लिए मिली, जितनी इस बार हुई है, क्या लग रहा है किस तरीके से इतना ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह पे काफ़ी हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व की गई है। पंजाब में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मोहाली में और पटियाला में भी और SBS नगर वगैरह, होशियारपुर, पठानपुर साइड, तो काफ़ी हैवी रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आई है। और अगर हम मानसून का बिहेवियर देखें तो बहुत सारे सिनॉप्टिक फीचर्स होते हैं जो मानसून को अफेक्ट करते हैं, सो पिछले दिनों में वो फीचर्स काफ़ी फेवरेबल रहे। एक वेस्टर्नली ट्रफ नॉर्दर्न पाकिस्तान की साइड बना रहा, उसने भी काफ़ी इसको और स्ट्रेंथन किया, जो मॉइस्चर अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल साइड से भी दोनों तरफ से आया, क्योंकि मॉइस्चर अच्छा प्रोवाइड हो गया तो उससे हैवी रेनफॉल, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स। अगर पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में जो नदियाँ पूरे उफान पे हैं, तो ये पानी कहाँ से आ कहाँ से रहा था? बरसात इतनी हो गई कि इतना ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बन आई, जहाँ पे लोग आप अपने घर छोड़ करके लोग जा रहे हैं और इतना पानी जमा हुआ कि वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, क्योंकि हैवी रेनफॉल सारे रीजन में ही हुई है, हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा हुई है, तो मेरा ख्याल है कि रेन इतनी ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से, क्योंकि रिजर्वॉयर्स में जो डेंजर मार्क्स के ऊपर पानी जाने लगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में संभावना है कि बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है? आने वाले दिनों में पंजाब में कहीं कहीं लाइट टू मॉडरेट जो रेन प्रिडिक्टेड है, बट हैवी रेन नहीं है और किसी तरह का कोई अलर्ट भी IMD से जारी नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो बारिश की संभावना बहुत कम है, अगर होगी तो बहुत कम होगी, और इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।